सियासत में गुस्से और बौखलाहट की जगह बहुत कम होती है, क्योंकि गुस्से में उठाया गया कदम अक्सर गलत साबित होता है। नारायण राणे के नाम से भी चढ़ने वाले उद्धव ठाकरे इसी खेल में फंस गए। नारायण राणे ने उकसाया और उद्धव ठाकरे बौखला गए, और जब तक बात समझ में आती तब तक खेल हो चुका था। नारायण राणे की गिरफ्तारी से उद्धव ठाकरे का गुस्सा शांत तो हुआ, लेकिन अब इसका खामियाजा शिवसेना को उठाना पड़ेगा। एक हाथ में प्लेट और दूसरे में निवाला, ठीक ऐसे ही वक्त नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई। कोंकण और मुंबई की सियासत में बड़ा कद रखने वाले नारायण राणे की गिरफ्तारी की इन तस्वीरों को देखकर जन भावनाएं भड़केंगी, और बीएमसी चुनाव में शिवसेना को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। डैमेज कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नासिक में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगी। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की खंडपीठ राणे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नासिक में दर्ज प्राथमिकी और भविष्य में दर्ज किए जा सकने वाले अन्य सभी मामलों को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। शिवसेना की राजनीति में चेंबूर से आने वाले नारायण राणे शामिल हुए, जो अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। राणे इतनी तेजी से उभरे कि एक वक्त में उन्हें महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन ठाकरे परिवार से आपसी रंजिश के चलते उनका ये सपना संभव नहीं हो सका। राणे शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर बीजेपी में, लेकिन शिवसैनिकों से उनकी दुश्मनी हमेशा सुर्खियों में रही। अब देश के सबसे अमीर निकाय चुनाव माने जाने वाले बीएमसी चुनाव में बीजेपी दोनों के बीच गली मोहल्ले की लड़ाई को भुनाने की कोशिश करेगी। राणे इस शहर से और मुंबई में फली फूली शिवसेना की नब्ज को भी बखूबी समझते हैं, और इसी के साथ तटीय कोंकण बेल्ट में उनका जनाधार भी मजबूत है। आने वाले चुनाव में बीजेपी इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फायदा लेने की कोशिश करेगी। राणे शिवसेना की ही राजनीति का लंबे समय तक हिस्सा रह चुके हैं। उनके थप्पड़ वाले बोल उद्धव ठाकरे के उस बयान के करीब 4 साल बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात कही थी। इसके 2 हफ्ते बाद ही शिवसेना ने बीजेपी के विधायक की एक बयान की प्रतिक्रिया में कहा था कि अगर सेना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया तो वह उठ भी नहीं पाएंगे। राणे की गिरफ्तारी के बाद तुरंत ही जमानत भी मिल गई, जिसकी बीजेपी को उम्मीद भी रही होगी, और इस पूरे सियासी ड्रामे से नारायण राणे लाइमलाइट में हैं। उनकी जनआशीर्वाद यात्रा और शिवसेना पर उनके जुबानी हमले फोकस में हैं, जो फरवरी 2022 में होने वाले निकाय चुनाव के आते आते और भी तेज हो जाएंगे। मतलब साफ है, बीजेपी इस घटनाक्रम के बाद उसकी ओर से पूर्व शिव सैनिकों को शिवसेना को उकसाने के लिए छूट मिलने की संभावना है। इससे राणे के पक्ष में जनभावनाएं उमड़ेंगी, और उसके जरिए बीजेपी का लक्ष्य मुंबई में मराठी मानुष से सीधी जंग का होगा, जैसा उसने 2017 के बीएमसी चुनाव में किया था, और इस चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना को कड़ी टक्कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।